तो फिलहाल हम गुरुकुल प्रीमियर लीग सीजन 6 के अंतर्गत एक अहमदाबाद के ऐसे खिलाड़ी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने काफ़ी कम उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया और सबसे पहला पड़ाव उन्होंने पार किया अंडर 15 का। उसके बाद उन्होंने लगातार अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रखा, डेब्यू किया गुजरात के लिए रणजी ट्रॉफी में और उसके बाद उन्हें मिला एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग। तो आईपीएल के लिए उन्होंने दो सीजन खेली दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए और एक सीजन सनराइजर हैदराबाद के लिए। जी हाँ, मनप्रीत जुना जी के हम बात करें। मनप्रीत, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रेरणा मिली आपको क्रिकेट के, क्योंकि गेम तो काफ़ी ज़्यादा है, तो क्रिकेट में आने के पीछे कोई मार्गदर्शन था या कोई प्रेरणा थी या आपको लगाव था क्रिकेट से? मुझे क्रिकेट एज अ गेम बचपन से बहुत पसंद था। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं कोई सिंगुलर स्पोर्ट खेलूं जो टीम गेम ना हो, पर मेरा इंक्लिनेशन क्रिकेट के वक्त पहले से था, तो आई थिंक वो देख के उन्होंने मुझे इसके लिए पुश किया। शुरुआत की आपने क्रिकेट की, तो रोल मॉडल आपका कौन रहा था? सुनील गावस्कर। और अगर हम बात करें कि आईपीएल में काफ़ी बड़े नाम होते हैं और आप एक युवा खिलाड़ी के रूप में जाते हैं, तो कोई दबाव होता है या बिल्कुल आप उसमें घुल मिल जाते हैं? दबाव ऐसा होता है कि तुम्हें खुद का एक एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम ये लेवल के लिए रेडी हो कि नहीं, तो तुम अपने आप पे थोड़ा दबाव डालते हो, पर ओवरऑल टीम का जो एटमॉस्फेयर होता है वो इतना अच्छा होता है कि तुमको ऐसा नहीं लगता है कि तुम एक डोमेस्टिक प्लेयर हो, यू फील प्रीटी मच पार्ट ऑफ द टीम। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है आईपीएल के लिए, और आईपीएल खेलने के बाद जब बंदा आता है तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल होने का कारण ही होता है, क्योंकि वो अपने आप पे सेल्फ बिलीफ उसका बढ़ जाता है कि वो इन सब प्लेयरों के साथ खेल सकता है, तो मतलब वो लेवल का प्लेयर है। मनप्रीत, पहली बार जब आपको कॉल आया था आईपीएल से, तो उस समय का जो माहौल था घर का, आपका फ्रेंड सर्कल में, वो कैसा था? सब बहुत ही खुश थे, बिकॉज आई थिंक चार पाँच सीज़न जा चुके थे आईपीएल के। आईपीएल यू नो इट वॉज द नेक्स्ट थिंग फॉर अ यंगस्टर, तो खुशी का माहौल तो डेफिनेटली बहुत था, तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। गुरुकुल प्रीमियर लीग, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस एक लेटर अलग है, उधर आईपीएल है या जीपीएल। कैसा लगा यहाँ पर खेलते हुए आपको? ग्राउंड कंडीशन, लाइटिंग अरेंजमेंट? बहुत ही अच्छा है। आई थिंक द लेवल ऑफ क्रिकेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, द फैसिलिटीज ब्रिलियंट, एंड कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कहीं पे कोई कमी है, या वो विकेट हो, एम्पायर्स हो, लाइट्स हो या टाइमिंग्स हो। सो वेरी सैटिस्फाइड विद द वे द टूर्नामेंट इज बीन प्लेड। मनप्रीत, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह एक के बाद एक कामयाबी हासिल करें और टॉप लेवल पर आप पहुंचे, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम का आप हिस्सा बने, ये शुभकामनाएं एसजीवीपी परिवार की ओर से। ऑल द बेस्ट मनप्रीत। तो ये थे मनप्रीत जुनेजा, जो कि टैलेंट है, जो गर्व महसूस करने लायक बल्लेबाज है अहमदाबाद के। वापस हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए चलते हैं कॉमेंट्री बॉक्स।